अभी बच्चे आगे आ जाइए, ध्यान दीजिए। राइटिंग अच्छा करने के लिए सबसे पहले आपका पोजीशन अच्छा होना चाहिए कि हम सही तरीके से बैठे, ठीक है? तो बैठ गए, बेंच डेस्क आपके स्कूल में है, आप बैठ गए। सबसे पहले ऐसे करके यहाँ पर आपका एक थंब होना चाहिए जिससे कि आप इस पेज को टाइटली क्या किए हैं, होल्ड किए हैं, ठीक है? अगर ऐसे छोड़ देंगे ना तो पेज ऐसे थोड़ा लूज हो जाएगा। तो देखिए, ऐसे में लिखेंगे तो पेज आपका स्लाइड करेगा, इतना अच्छा राइटिंग नहीं बनेगा, ठीक है? लेकिन जब आप यहाँ पर एक बार टाइटली यहाँ पर होल्ड कर देते हैं थंब से, ठीक है, या हैंड से, तो आपका क्या हुआ, पेज टाइट हो गया। इसके बाद आप क्या कहते हैं, लिखना स्टार्ट कीजिए। आपको जो तरीका से बताया गया है, मनोहर, सभी लेटर को अच्छे से आप लाइन सीधा और अच्छे से लिखना स्टार्ट कीजिए। मनोहर को परिवार पेंसिल के नोक पर ध्यान देंगे, ना तो आपका ज़्यादा मोटा होना चाहिए और ना तो बहुत ही ज़्यादा पतला होना चाहिए। पतला होगा टूट जाएगा, ठीक है? मोटा होगा मोटा राइटिंग चलेगा, तो मीडियम में होना चाहिए, ठीक है? और ऐसे करके बैठेंगे और इसको ऐसे करके लिखेंगे आप, ठीक है? आपको हम कल भी बताए थे कि ये लाइन में टच नहीं होना चाहिए, इस लाइन में टच नहीं है। देख, कोई भी टच है, सुंदर लगेगा देखने में। देखिए आकर्ष, कम ऑन आकर्ष, कॉपी लेकर आइए बेटा। देखिए आकर्ष की राइटिंग कितनी अच्छी बन चुकी है, धीरे धीरे अच्छी हो रही है। देखिए ये राइटिंग कितनी अच्छी है, थोड़ा दो को बेटा सही कीजिएगा आप, धीरे धीरे सही हो जाएगा। देखिए अच्छा कर रहा है, ठीक है? और भी है, और भी बच्चे जो है लाइए, आप लाइए बेटा आपका कॉपी, आपका भी राइटिंग सुधार हुआ है। प्रिया आप लाइए बेटा। देखिए ये सब बच्चे का राइटिंग जो है इसमें प्रोग्रेस है। देखिए आप जो व लिखते हैं ना बेटा, व, तो व को आप इसमें जो टच करते हैं, नहीं, व यहाँ से लिखिए और ऐसे लाइन ड्रॉ कीजिए। ये व इसमें टच नहीं होना चाहिए, आप लिख रहे हैं ऐसे ऐसे और हम कर देंगे ऐसे, तो ये हो जाएगा क, समझ गए? तो पूरा पूरा ध्यान देने का जरूरत है। देखिए ये भी राइटिंग बेटा, आप जो थोड़ा बड़ा कीजिए, साइज बड़ा कीजिए राइटिंग का, बात समझ गए? छोटा से थोड़ा बड़ा कीजिए, हल्का बड़ा करने का जरूरत है। और बाकी बच्चे का राइटिंग बहुत ही पुअर है, मात्र 3 बच्चे जो है राइटिंग में सुधार किए हैं, और भी बच्चे का राइटिंग आप लोग थोड़ा सा देखिए। अब ये बाबू को राइटिंग लिखने बोले, अब ये 5 लाइन का पोयम लिख रही है, हिंदी में से कविता लिख रही है, अब 4 दिन से कविता ही लिख रही है, 4 लाइन लिखी बस, सर हम तो राइटिंग लिख लिए, ऐसे क्यों कर रहे हैं आप? अभी आपको पनिशमेंट मिलेगा, अभी तो 2-3 स्टिक लग चुका है लेकिन पनिशमेंट मिलेगा। आप बेटा आप भी सही हो जाइए। ये जो आप चाह रहे हैं कि हम बच जाएंगे, तो आप बच नहीं सकते हैं यहाँ से, पहली बात बता रहे हैं। और आप नए स्कूल से आए हैं, दूसरे स्कूल से आए हैं, इसलिए आपको बार बार हम बोल रहे हैं, आपको और आपको, ठीक है? पुराने स्कूल वाले तरीका को छोड़िए, सर एक बार बोले और छोड़ दिए, हम तब तक बोलते रहेंगे जब तक कि आप सही ना हो जाए। और 5 देखिए, आपको सिर्फ पिटाई लगा 2 दिन, किसके लिए? सिर्फ बैठने के लिए, क्योंकि आप सही से बैठ नहीं रहे हैं, डिस्को डांस कर रहे हैं ऐसे 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 ऐसे, कभी उधर कभी उधर, हम वहाँ से बैठ के कैमरा में देख रहे हैं, हम बोले अब तो जाना पड़ेगा। तो एकदम ध्यान से अच्छे से बैठिए। अगर किसी को डांस वांस करने का मन हो तो आप लोग पहले बता दीजिएगा, हम उसके लिए सारी व्यवस्था करेंगे। उधर मेरे पास एक हॉल है, उसमें बॉक्स और लगा हुआ है, आप बढ़िया से डांस कीजिए, ठीक है? और वीडियो कॉल कर देंगे, आपके पापा भी, अगर पापा कहाँ हैं अभी, ऑफिस में होंगे, तो पापा को वीडियो कॉल कर देंगे, पापा भी डांस देखेंगे, है ना? हैं, पूरे रिलेशन को वीडियो कॉल कॉन्फ्रेंस कर देंगे, सभी को डांस देखेंगे। देखिए क्या, यस यस, नाम है ना आपका? हाँ, स्कूल में बढ़िया डांस कर रहा है, आपको भी डांस करने का मन है? अंश बढ़िया डांस कर रहा है, है ना? सर, पहले डांस सीखता था, तो अब पढ़ाई सीख लो, पढ़ना सीख लो, ठीक है? डांस करके क्या करोगे बताओ? डांस करना है, हैं? तो उसके लिए बेटा दूसरा स्कूल होता है, जहाँ पे सिर्फ डांस सिखाया जाता है, यहाँ पे डांस नहीं सिखाया जाता है। और डांस सीखने के लिए भी आपको पढ़ना होगा। जैसे आप डांस में मान लीजिए कंपटीशन जीत जाइएगा, आपका इंटरव्यू लेने आएगा, तो बोलिए सर अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, तो क्या बोलिएगा आप उसको, हैं? कि हम सिर्फ डांस करते हैं, ऐसे ऐसे दिखाइएगा, हैं? तब
अपने बारे में 5 लाइन इंग्लिश में 5 लाइन बोलिए, से 5 लाइन्स, 5 लाइन्स, 5 लाइन अपने बारे में बोलिए। माई सेल्फ, माई मदर्स नेम इज अर्चित राज। तो ऐसे बोलिएगा माइक पर तो लोग हंसेगा बेटा, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस से।